जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसा कि भारत की सीमाएं कई देशों से लगती है, तो वैसे में इनकी सुरक्षा के लिए कई सिक्योरिटी फोर्सेस भी बड़ी संख्या में तैनात रहते हैं, जिससे देश की बाहरी खतरों से रक्षा की जा सके। तो चलिए जानते हैं भारत के ऐसे ही एक सिक्योरिटी फोर्स के बारे में, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपना बड़ा योगदान देते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं SSB की, जिसका फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल है। साथ ही इसका गठन 20 दिसंबर 1963 को हुआ था और इसमें 94,261 एक्टिव पर्सनल हैं, जो देश की सुरक्षा में अपना बड़ा योगदान देते हैं। और SSB CAPF के अंदर आती है, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो चलिए जानते हैं भारत को SSB फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों अगर SSB फोर्स के इतिहास के बारे में बात करें, तो इसका इतिहास दशकों पुराना है। वहीं इंडिया चाइना वॉर के बाद भारत सरकार द्वारा 20 दिसंबर 1963 को इस फोर्स का गठन किया गया था। तब इस फोर्स का नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। उस समय इसका काम था फॉरेन इंटेलिजेंस डिवीजन, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का पार्ट थी, उसको आर्म सपोर्ट देना। वैसे पहले इसका कंट्रोल रो के पास था, जिसे 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही इसका नाम बदल के सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। वैसे ऐसा कारगिल वॉर के बाद वन बॉर्डर वन फोर्स कॉन्सेप्ट के तहत किया गया था। इस फोर्स का मेन काम पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सीमाओं की सुरक्षा करना है, और यहाँ इनके सेंटर्स भी मौजूद हैं। साथ ही अवैध रूप से भारत में इन सीमाओं से आर्म्स एंड एम्यूनिशन की तस्करी और देश विरोधी यानी एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज होने पर रोकना होता है। और इनके ऊपर भारत नेपाल सीमा से सटे 1,751 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिसे ये बखूबी निभाते भी हैं। वैसे मार्च 2004 में SSB को 699 किलोमीटर लंबी भारत भूटान सीमा की निगरानी का जिम्मा भी सौंपा गया था। दोस्तों SSB के जवान सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की मदद भी करते हैं, जैसे सड़कों की मरम्मत करने, नालियां और पुल बनवाने, पानी के पाइप डालने, खेल के मैदान, कम्युनिटी सेंटर और स्कूल की इमारत के निर्माण के लिए भी अपना सहयोग देते हैं, यानी वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी इस फोर्स का रोल होता है। और इन्होंने अभी तक कई गाँव वालों को उनके घर पर ही अलग अलग सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाया है। वहीं SSB के जवान आपातकाल में यानी इमरजेंसी की स्थिति में भी सहायता करते हैं, जैसे भूकंप, बादल फटने, बाढ़ भूस्खलन के रूप में महामारी या आपदा आई हो, तो ऐसे में SSB के जवान सबसे पहले सीमावर्ती गांव के लोगों की रक्षा करते हैं। इसलिए इनका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। वहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। साथ ही SSB का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि SSB के जवानों के बारे में सबको पता होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना न भूलें। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।